Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Class, in previous video I have already discussed about this chapter Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb. Okay, in this chapter I have already discussed about Jahangir and his wife Noorjahan and many words or many policies of Jahangir. And beginning of the European settlements in India and Shahjahan. And today I will discuss about this chapter Shahjahan's compensation. Okay, Shahjahan compensation मतलब है कि Shahjahan के अभियान क्या थे? What were the Shahjahan's campaigning in India? Okay, तो well, Khan Jahan Lodi, the Subedar of Deccan, माने जो खान जहान उस समय क्या था सूबेदार था इन डेक्कन एरिया. ओके, तो एवरी स्टूडेंट नोन अबाउट डेक्कन एरिया इन इंडिया में कहां था, तो आप ये समझ लीजिए जो भी हमारा एरिया था. तो इंडियन मैप में आप देखेंगे जो हमारा ऊपर का एरिया होता है क्या होता है नॉर्थ, एंड जो हमारा ये एरिया है नीचे की तरफ हमारा ठीक होता है साउथ. इन राइट हैंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट यहां पर राइट हैंड की तरफ हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड की तरफ हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है वेस्ट. ओके, तो इन दिस आपसे मैं क्या डिस्कस कर रही थी कि जो भी माने खान जहान लोदी वोस्ता सूबेदार ऑफ डेक्कन एरिया, माने ये क्या था डेक्कन एरिया का सूबेदार. ओके, तो डेक्कन एरिया हमारे कहाँ है इंडिया, माने डेक्कन एरिया इंडिया में कहाँ था साउथ में था. ओके, शाहजहां वांटेड टू द सूबेदार ऑफ डेक्कन स्टेट्स, माने शाहजहां भी सूबेदार माने डेक्कन एरिया का सूबेदार बनना चाहता था. ओके, माने शाहजहां भी डेक्कन स्टेट्स का सूबेदार बनना चाहता था. देयर वर थ्री स्टेट्स ऑफ द डेक्कन, माने उस समय यानी इन दैट टाइम पीरियड जो थ्री स्टेट्स थे यानी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट्स ऑफ द डेक्कन एरिया वो क्या थे, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा. यानी देयर वर थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट्स इन डेक्कन एरिया वर कौन से, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा. ओके, दीज स्टेट्स यूज टू गिव शेल्टर टू द एनिमीज ऑफ मुगल एम्परर, माने जो ये स्टेट्स थे माने जो डेक्कन एरिया के जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे ये स्टेट क्या काम कर रहे थे कि देवर शेल्टर टू द एनिमीज यानी एनिमीज ऑफ मुगल एम्परर, मुगल सम्राटों के जो सबसे में सेल्टर यानी शरण दे रहे थे. दिस क्रिएटेड ट्रबल, मतलब इसलिए शाहजहां को बहुत ही अधिक परेशानी हुई. सो शाहजहां वांटेड टू ब्रिंग देम अंडर कंट्रोल, मतलब इसीलिए शाहजहां इन स्टेट्स को माने डेक्कन एरिया के जो फेमस स्टेट थे यानी इंपॉर्टेंट स्टेट थे इन्हें वो अपने अंडर में लेना चाहता था. ओके, प्रिंस औरंगजेब वाज मेड द सूबेदार ऑफ डेक्कन, माने प्रिंस औरंगजेब डेक्कन एरिया का सूबेदार था. ही लेड टू द कंपेन अगेंस्ट दीज स्टेट्स, माने उसने क्या किया था उसने इन स्टेट के विरोध में यानी इन स्टेट के अपोजिट में कुछ ऐसे अभियान चलाए थे. अहमदनगर वाज कन्वर्ट, माने इसने अहमदनगर को इन 1633 में जीता था. बीजापुर सबमिटेड इन 1636, बीजापुर को 1636 में, एंड गोलकुंडा को सबमिटेड इन 1656. ओके, ट्रीटी ऑफ पीस वाज साइन, माने जिसमें एक संधि माने जिस पर एक संधि की गई थी और उस संधि पर साइन भी किए गए थे. ओके, बट शाहजहां अटेम्प्ट टू एनेक्स बीजापुर एंड गोलकुंडा वाज नेवर सक्सेसफुल, लेकिन शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा, ओके, बीच माने बोथ स्टेट्स यानी बोथ स्टेट्स वर सक्सेसफुल टू द एनेक्स, माने उसने बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को अपने में मिला लिया था एंड नेवर वर सक्सेसफुल, माने जिससे ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए. द ह्यूज सम्स रिसीव्ड द ट्रिब्यूटीज इंक्रीज्ड इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एम्पायर, और एक ये भी रीजन था कि ये माने उस एम्परर यानी सम्राट के लिए एक अच्छा सा माने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी था, माने ये जो दक्षिण का एरिया था वो क्या था माने उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी था. शाहजहां सेंट्रल एशियन कंपेनियन एम टू रिसीविंग
एंड रिवाइविंग द फेमस मंगोलियन एक्सेंट। माने शाहजहां का ये भी एक मतलब था कि वो सेंट्रल एशिया माने सेंट्रल एशिया की तरफ का एम ये था कि रिवाइविंग द फेमस मंगोल माने वहां मंगोलों के साथ कनेक्शन हो। तैमूर मिलिट्री एक्सप्लॉइट माने यही रीजन था कि जो वहां पर तैमूर माने तैमूर थे वो क्या कर रहे थे, तैमूर मिलिट्री एक्सप्लॉइट माने वो शोषण कर रहे थे। इंडेड इन अ फेनेस्को माने जिससे वहां फेनेस्को का पूरी तरह से समाप्ति हो चुकी थी। इन द कंपेजन अगेंस्ट द कंडार माने कंडार के अगेंस्ट माने जो उसने अभियान चलाया था वो क्या था, शाहजहां वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। लेकिन कंधार यानी कंधार के विद्रोह में जो उसने अभियान चलाया था उसमें वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ। ओके थ्रू ही सिक्योर्ड कंधार फॉर अ शॉर्ट वाइल जिससे वह केवल कंधार में शॉर्ट वाइल माने बहुत थोड़े समय तक ही रुका था। एंड ही लॉस्ट इट अगेन टू द पर्शियन माने तथा ही लॉस्ट माने यहीं से वहां पर पर्शियन रूल माने पर्शियन रूल वहां से समाप्त हो गया। पुर्तगीज हु हैड केम टू इंडिया टू ट्रेड माने जो पुर्तगाली थे केम टू इंडिया माने जो भारत में व्यापार करने आए थे, बिकेम ट्रबलसम बिकेम ट्रबलसम ड्यूरिंग द शाहजहां टाइम माने वे शाहजहां के टाइम पीरियड में बहुत ही कष्ट यानी तकलीफ महसूस कर रहे थे। ही सेंट वन ऑफ हिज efficient जनरल टू अटैक माने इसलिए उन्होंने अपने एक efficient जनरल्स माने कुशल जनरल को अटैक टू हुगली माने हुगली पर अटैक करने के लिए भेजा था। एंड पुट हिज जो थे सेटलमेंट इन बंगाल माने पुर्तगाली जो भी थे सेटलमेंट इन बंगाल माने बंगाल में सेटलमेंट हो गए थे। विच वॉज फाइनली कैप्चर माने जिससे फाइनली कैप्चर यानी बंदी बना लिया। Okay, the last days of the Shahjahan's life were not very peaceful. इस प्रकार दस भी से कि शाहजहां का जो last माने जो last days थे life के वो बहुत ही peaceful नहीं थे। Okay, so in 1657 he felt seriously ill. माने 1657 में वह बहुत अधिक बीमार पड़ गया। He led to a war of succession among his four sons. और उसके चारों बेटे जो क्या उत्तराधिकारी माने उत्तराधिकार के लिए लड़ने लगे या युद्ध करने लगे जैसे कौन था, दारा सुजा औरंगजेब एंड मुराद। बट द वॉर दैट फॉलोड ये जो युद्ध था वो क्या था, आगे भी चलता रहा। औरंगजेब डिफीटेड ऑल हिज ब्रदर और लास्ट में औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को हरा दिया। ओके औरंगजेब डिफीटेड ऑल हिज ब्रदर्स माने औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को हरा कर ही इम्प्रिजन्ड हिज फादर माने उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया, ऐसे कैदी बना लिया। एंड किल टू ऑफ हिज ब्रदर माने उसने अपने दो भाइयों को किल हिज टू ब्रदर्स माने अपने दो भाइयों को मार दिया। शाहजहां डाइड इन 1666 माने शाहजहां 1666 में मर गया था। एंड After living a capability of the 8 years, okay. So students, today I have discussed about Shahjahan companions, Jahangir and Shahjahan, are the architecture के बारे में कि Jahangir के time period में and Shahjahan के time period में art और architecture क्या था, okay. So this topic I will explain in next video. So thank you for attending this.